बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब सहीहुल बुखारी किताबुल इस्तिस्का में हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु से मरवी एक रिवायत नकल की है, जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़ियामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक इल्म को उठा नहीं लिया जाता। उस वक्त कसरत से जलजले आएंगे, एक जमाना दूसरे के करीब तर होगा, फितना व फसाद जहर होगा, हरज में यानी कत्ल में इजाफा होगा, यहाँ तक के माल व दौलत की फरावानी इस तरह होगी जैसे उबल पड़ेगी। जामे तिर्मिज़ी में मारूफ सहाबी हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु से ही मरवी दूसरी हदीस मुबारका में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने कुर्ब क़ियामत की निशानियों का जिक्र करते हुए इरशाद फरमाया कि जब माले गनीमत को घर की दौलत समझा जाने लगे, अमानत में खयानत की जाए, जक़ात को बोझ समझा जाए, दीनी तालीम दुनिया के लिए हासिल की जाए, आदमी बीवी की इताअत करने लगे, औलाद माँ को सताने लगे, दोस्तों को करीब और वालदैन को दूर कर दिया जाए, इंसान से डर कर उसकी इज्जत की जाने लगे, गाने बजाने वाली औरतें और समान तईश की कसरत हो जाए, शराबें पी जाने लगे, उम्मत के बाद में आने वाले लोग पहले लोगों पर लानत हो मलामत करने लगे, तो फिर उस जमाने में सुर्ख आंधियों और जलजलों का इंतजार करो और जमीन में धस जाने और सूरते मसख हो जाने और आसमान से पत्थर बरसने की भी मुंतजर रहो और दीगर आफात व बलियात और निशानियों का इंतजार करो जो इस तरह जाहिर होंगी जैसे किसी लड़ी का धागा टूट जाए तो लगातार उसके दाने गिरते रहते हैं।